Tahsir Social Worker Muhammad Farid Bali ke Media Organization ki Punjab Awami Development Fund jo hamesha awam khidmat gareeb mazloom logon ki awaaz jo buland karti hai hamari awami development fund main chahunga ke Rajinder Gupta hai koi asasti sibra aur aise asasti ko fauri taur hataya jaye aur awam ko andar jane ki ijazat di jaye haan check karna security ka kaam hai lekin tang karna pareshan karna ye security ka kaam nahi hai मैं चाहूंगा कि अगर ऐसे शक्ति के खिलाफ कार्रवाई न हुई। कश्मीर के गांदरबल इलाके के थुरू गांव में जेएनके पुलिस को जानकारी मिली है कि इस गांव में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में पुलिस के तहत खोज अभियान शुरू कर दिया गया है। आज पुंछ में डिप्टी कमिश्नर राहुल जाधव जी ने 83 हज यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया। दूसरे लोगों को जो है जो भी आपसे मिले जिसका भी आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन हो वो ये बोले कि एक बंदे से मिला था पुंछ का या फिर जम्मू एंड कश्मीर का या फिर हिंदुस्तान का वो बंदा था और उसका जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉयज ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। आरएसपुरा के गांव स्लेट स्थित बिजली स्टेशन में 10 एमबीए का बिजली ट्रांसफार्म लगाने के साथ ही पुराना 6.3 एमबीए का बिजली ट्रांसफार्म विभाग द्वारा उठाने पर स्थानीय लोगों ने रोष जताया और मांग करते हुए कहा कि पुराना ट्रांसफार्म भी यहां पर ही रहना चाहिए ताकि लोगों को बिजली संकट से राहत मिल सके। आज जिला पुंछ में 12 बजे के करीब सीमावर्ती गांव में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई जिसके कारण लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आरएसपुरा के गांव स्लेट स्थित बिजली स्टेशन में 10 एमबीए का बिजली ट्रांसफार्म लगाने के साथ ही पुराना 6.3 एमबीए का बिजली ट्रांसफार्म विभाग द्वारा उठाने पर स्थानीय लोगों ने रोष जताया और मांग करते हुए कहा कि पुराना ट्रांसफार्म भी यहां पर ही रहना चाहिए ताकि लोगों को बिजली संकट से राहत मिल सके। गांव स्लेह स्थित बिजली ग्रिड स्टेशन में नया 10 एमबी बिजली ट्रांसफार्म लगाने का सरपंच आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने स्वागत किया है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान सैनी ने कहा कि सरपंचों ने मिलकर जो प्रयास किया था उसी का नतीजा है। आज मैं आपके माध्यम से पीडी डिपार्टमेंट का खासकर चीफ इंजीनियर हमारी हल्का साथ साथ में 8-10 पंचायतें पड़ती हैं पर कर रहे थे 3-4 महीने से वो 3-4 महीने का जो इंतजार था वो बिजली डिपार्टमेंट करवाया। आरएसपुरा उप जिला कृषि अधिकारी रोशन लाल भगत ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कृषि विभाग की तरफ से पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर किसानों को कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है
और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह अपना नाम संबंधित अधिकारियों को दर्ज करवाए। कुछ हमारे फार्मर्स किसान भाई जो वो रह गए थे, जहाँ उनकी रेक्टिफिकेशन आई थी, जहाँ उनकी जो ऑब्जेक्शन आई थी, उसमें हमें जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है कि हमने अपनी सब डिवीजन की हर ब्लॉक पे डिफरेंस डेट्स फिक्स की हैं, जिसमें हमारा फील्ड फंक्शनरी जाएगा, एग्रीकल्चर के जितने भी ऑफिसर्स हैं दूसरे।